तो जो मैं कह रहा था एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे कहने की थिक स्फेरिकल शेल है और इसमें क्यू चार्ज। अब इसमें एक तो फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वो तो एक क्वेश्चन हो गया, दैट इज चलो ठीक। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस केस में वो है टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, दैट इज मेन। तो वो हम कैसे करेंगे? तो स्मॉल आर का रेडियस बना दिया जाए। अगर मैं एक स्मॉल आर रेडियस बनाऊंगा इन दैट केस यहां तक जो है यार, तो वही सेम चीज ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए तो बन जाएगा इक्वल टू ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर। चलो ये तो एक्सपेक्टेड है। अब आता है क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या होगा ना, इतने हिस्से का चार्ज वो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब q इनसाइड कैसे निकालेंगे ना, देखो जो टोटल चार्ज है वो r1 और r2 के बीच में स्प्रेड आउट है ना, r1 और r2 के बीच में स्प्रेड आउट है, तो डेंसिटी निकाल लेते हैं उससे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे है ना। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे ना, q अपॉन एक तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और एक q बाई 4 बाई 3 पाई आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब माइनस आर वन। क्यों? क्योंकि हमें आर स्मॉल आर और आर वन के बीच का चार्ज, मुझे इस पोर्शन का चार्ज चाहिए जो कि स्मॉल आर और आर वन के बीच का, तो वो आ गया। और आर स्क्वायर से तो कैंसिल कर सकता हूं, 4 बाई 3 पाई कैंसिल, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन तो k हो जाता है, यानी e इज इक्वल टू के क्यू। अब आर स्क्वायर अगर अंदर ले जाओ तो क्या होगा, और ये तो बाहर आएगा ही, आर टू क्यू माइनस आर वन, तो के क्यू इंटू आर स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी आर माइनस आर वन क्यू बाय आर स्क्वायर। R माइनस आर वन क्यूब बाई आर स्क्वायर, देख लो ठीक है। अब रहता है इसका ग्राफ। अब द ग्राफ इज नॉट सो इजी, इट्स अ लिटिल ट्रिकी। एक बार अच्छे से देखो कैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं, स्लाइटली ट्रिकी, बहुत ज्यादा नहीं। कैसे? एक्चुअली पता क्या है ना, ये जो ग्राफ है इसमें दो दो चीजें है, एक तो 1 बाय आर स्क्वायर किया और एक आर बी। अब इसको कैसे रिकनसाइल किया जाए, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर वन क्यू, बार बार लिखना पड़ेगा तो कॉन्स्टेंट है, इसके मैंने उसको सी लिख, तो आर माइनस इसको सी लिख दिया तो सी बाय आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट। यानी क्या हो रहा है देखो, डीई डी आर, अब देखो क्या हो, डीई डी आर होगा 1 माइनस, अब आर स्क्वायर एक्चुअली है 8 to the power -2, तो -2 सामने आएगा, तो प्लस 2c बाय आर क्यू। आर टू दर माइनस टू को डिफरेंशिएट करता आएगा आर टू दर माइनस थ्री, नाउ यू माइट से वायर भी डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि एक्चुअली अगर मान लो इसका नेचर ऑफ ग्राफ पता करना है ना, तो एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या पता है कि देखना है यहाँ पे तो इंटेंसिटी जीरो होगा है ना, सेंटर से लेके यहां तक इंटेंसिटी जीरो, और इसके बाहर तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले पोर्शन का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कर। अब एक काम करता हूं, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कैसे, मुझे पता है कि यहां पे जो इंटेंसिटी है वो है के क्यू बाय आर टू स्क्वायर, ये ई वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, और मुझे ये भी पता है कि कैपिटल आर वन तक कोई इंटेंसिटी नहीं क्योंकि वो तो हॉलो पोर्शन है, इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये आर वन हो गया और ये हो गया आर टू। अब आर वन तक तो इंटेंसिटी जीरो है और आर टू पे ये इंटेंसिटी है,
और उसके बाद तो ऐसे ही होगा है ना, क्योंकि आउटसाइड में यहाँ पे अगर मान लो एक स्मॉल आर लेता हूं मैं, तो ये इंटेंसिटी क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता है के, है ना, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा ना के क्यू बाई स्मॉल आर, देख लो दैट्स हाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी, यानी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r2, ठीक है, और यहां तक जीरो है। आप पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम से इंटेंसिटी जीरो से ऐसे थोड़ी हो जाएगा, या तो वो लीनियरली बढ़ेगा, और अगर कर्व भी होगा तो दो टाइप का हो सकता है, या तो ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन। अब ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन होगा मार्क करो, यस ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन मार्क करो, हाँ जी ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन, मनीष से बी, बी तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और कोई और किसी का क्या ऑप्शन है, और किसी का क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आया अभी तक, ध्रुव ऑल्सो सेज बी, और एक बार जरा सोचो बी क्यों बोल रहे हो आंसर, ये सलमान विच इज योर ऑप्शन, अक्षत अजितेश ऑप्शन लिख के भेजो, नॉट श्योर सर, मैं दो मिनट से गायब था सर, एक बार बता दो क्या पूछे सर, टू सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 2 मिनट्स पहले, तो आप बता दो क्या चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ई जो बीच वाले पोर्शन का जो ई है ना, उसका एक्सप्रेशन आ चुका है, ये वाला ये फॉर्मूला है, तो एकदम बाहर जो ऑप्शन है वो तो सी होगा, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है उसमें क्या होगा, चलो अक्षत ने सी दिए हैं, अब सुनो बीच वाला पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बस जरा चीज सोचो, यहाँ पे आर का वैल्यू, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आर का वैल्यू आर वन से लेके आर टू तक है, यानी स्मॉल आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। नाउ यू माइट से सो व्हाट, देखो अगर स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो फिर ये ओवरऑल तो घटता जाएगा, अगर स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल तो घटता जाएगा ना, क्योंकि स्मॉल आर तो डिनोमिनेटर में है या नहीं, तो देयरफॉर स्लोप शुड रिड्यूस। अब स्लोप देखो, ये तो कांस्टेंट स्लोप है, बी तो कांस्टेंट स्लोप है लीनियर, वो नहीं हो सकता। सी में दिक्कत है, सी में देखो इनिशियली स्लोप कम है, सी में इनिशियली स्लोप कम है और बाद में देखो स्लोप बढ़ता है, देखो इनिशियल देखो स्लोप कम है और बाद में स्लोप बढ़ता है, यह सी में, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मैथमेटिक्स स्लोप इज दिस या प्रोपोर्शनल टू दिस, और उसमें स्मॉल आर डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता है तो स्लोप घटना चाहिए, जो कि देखो ए में हो रहा है, ए में इनिशियली ज्यादा स्लोप है और देख रहे हो बाद में स्लोप घट रहा है, ए में इनिशियली स्लोप ज्यादा है और बाद में स्लोप घट रहा है, तो स्लोप इज रिड्यूसिंग इन ए, इसलिए यही करेक्ट आंसर। इस डिफरेंशिएशन से मुझे फायदा ही हो रहा है कि मुझे स्लोप का पैटर्न पता चल गया, कैसे पता चला, नाउ एज आर इंक्रीजेस स्लोप डिक्रीजेस, और इसी से ही मैं डिसाइड कर पाया फाइनली कि इन तीनों में से कौन सा होगा, अगर मान लो स्लोप यूनिफॉर्म होता है या नहीं, दैट मींस व्हाट,
अगर मान लो इसका वैल्यू स्मॉल आर पे डिपेंडेंट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता। अगर स्मॉल आर के हिसाब से अगर स्लोप बढ़ता जाता तो सी होता, क्योंकि सी का इनिशियल स्लोप कम है बाद में जाता। और ए वाला करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है स्लोप घटता जाना चाहिए एज पर दिस, जो कि देखो ए में हो रहा। इसलिए फाइनली हम ए को ही करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, तो दैट वाज योर 11th। अब हम देखते हैं 12th का। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें तो ऐसा है ना कि ये तो हमने क्लास में भी कर रखा कि इंड्यूस चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है। तो अगर मान लो कोई स्फीयर है और अगर यहाँ पे एक स्मॉल कैपिटल क्यू चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस होगा माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस, क्योंकि जो स्फीयर है हॉलो स्फीयर उसमें कोई चार्ज नहीं है। वो जो कैपिटल क्यू मैंने सेंटर में पुट किया उसको ऐसे अंदर माइनस क्यू इंड्यूस होगा तो बाहर प्लस क्यू इंड्यूस होना, बाहर प्लस क्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर में कोई चार्ज ही नहीं है। अब अगर तुम एक स्मॉल क्यू चार्ज दोगे आउटर स्फीयर में उसका इफेक्ट अंदर कुछ नहीं होगा। क्या होगा फिर? वो स्मॉल क्यूब पूरा पूरा बाहर रहेगा। यानी एक आंसर तो ये आ गया, दूसरा आंसर इसी में ड्रॉ कर देता हूं या अलग से ड्रॉ कर देता हूं। चलो ये कैपिटल क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर हो जाएगा क्यू प्लस स्मॉल। देखो प्लस कैपिटल क्यू तो इस इंडक्शन के कारण हो रहा है कि यहाँ पे माइनस क्यू है तो देखो एक प्लस क्यू होना पड़ेगा, और जो स्मॉल क्यू है मैंने अलग से डाला है वो क्या होगा बाहर बाहर ही स्प्रेड आउट। दैट्स चलो उसके बाद है 16। सिक्सटीन तो बेटे क्लास में करा रखा है ना, याद है ना कि अगर तुमको एक सॉलिड सिलेंडर में जिसका डेंसिटी रो है, अगर x डिस्टेंस दूर अगर इंटेंसिटी निकालना है काम करो, एक सॉलिड सिलेंडर ले लो, एक और मतलब एक गॉसियन सिलेंडर ले लो, तो उसका लेंथ l ले लो, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ई डॉट डी है वो तो कैलकुलेट होता नहीं है, सिर्फ ये वाला ई डॉट डी कैलकुलेट होगा, यहाँ पे डी ए और ये ई है। तो यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर है, मान लो रेडियस आर ले ली और इसका रेडियस को कैपिटल आर ले लो, वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो रो के टर्म्स में लिखेंगे। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, अब क्यू इनसाइड क्या होगा, रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन रो, यानी ई हर आ गया इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, एक आर भी कैंसिल, यानी रो आर बार टू एप्सिलॉन। याद करके देखो, हमने इसके ऊपर डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है, आई होप यू रिमेम्बर। एक्सक्यूज मी,
सर 18th क्वेश्चन वैसे डाउट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक छोटा सा, बस छोटा सा क्वेश्चन था कि सर एक प्लेट जो होती है उसका तो सिग्मा बाय ई नॉट होता है ना, ई एक प्लेट के एक साइड में अगर चार्ज है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सर, बस लेकिन एक प्लेट। क्वेश्चन बाकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग। एक प्लेट के एक साइड में अगर चार्ज सिग्मा है तो इन दैट केस उसके वजह से जो फील्ड होगा वो है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। अब आगे क्वेश्चन पूछो। सर 18th क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज कर रखा है जिससे आंसर सही आएगा वो सिग्मा बाय टू ई नॉट है, लेकिन सिग्मा बाय ई नॉट यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप एक बार प्लीज देख लो। एक्चुअली ना ये दे रहा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, तो जब नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे रहता है तो हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज अगर दिया है तो एक ही सरफेस पे दिया। अगर दोनों में दिया होगा तो मेंशन होगा चार्ज ऑन बोथ सरफेस, दैट इज ऑल, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। चलो ठीक, 16 भी हो गया, उसके बाद है 19। चलो ठीक है, तो 19 में क्या है कि सपोज ये एक प्लेट है, सपोज ये एक प्लेट है और यहां पे मैंने एक ऐसे चार्ज बॉल का हैंग कर, बॉल का इसका लेंथ एल है, बॉल का मास एम है और सपोज चार्ज क्यू है ना। तो एक चार्ज प्लेट के वजह से, ये मेटल या नॉन मेटल प्लेट देख ले, ठीक है नॉन कंडक्टिंग प्लेट बोल रहा है, यानी हम एक ही तरफ लेंगे बाय डिफॉल्ट, यानी यहाँ पे जो फील्ड होगा वो है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू और ये हो गया एम, और जो टेंशन ऑफ द थ्रेड होगा वो है टी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये होगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है अननोन है, सॉल्व हो जाएगा तो कैसे होगा ना, टी साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय टू एप्सिलॉन और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और निकालना क्या, टी निकालना है थीटा निकालना, सिग्मा निकाल। चलो ठीक है, तो दोनों का अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, यू हैव टैन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट एम जी, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एम जी टैन थीटा बाय स्मॉल, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लो, ठीक है सब कुछ दिया हुआ है ना। ये जो लेंथ ऑफ द थ्रेड दे रखा है ना, टेंसिल वेट इसका कोई जरूरत नहीं है कि एल तो आया नहीं कहीं पे। मास दे रखा है एम जी 10 ग्राम, चार्ज दे रखा है 4 × 10⁻⁶, 60 डिग्री दे, तो टेन थीटा भी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, आगे सब कुछ गिवन है मतलब, है ना। उसके बाद है 20, ओ अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था, चलो कोई नहीं। एक तो टेंशन निकालना था तो एक काम करता हूं मैं, फिर टेंशन के लिए अलग हो जाए, अगर ये टी है, मैंने बाई चांस मिटा दिया, मिटाने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, अगला क्वेश्चन इसी पे है।
तो फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो एक तो हो गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय। अब एक काम करो, दोनों को ना स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेके वन आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर तो स्क्वायर करके ऐड होगा, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर प्लस, यानी इससे क्या होगा ना टी आ जाएगा ना? और उसके बाद बोल रहे टाइम पीरियड बताओ। एक्चुअली टाइम पीरियड पता क्या होता है ऐसे वाले होता है। अब इंटरेस्टिंगली टाइम पीरियड क्या होता है, देखो ना पेंडुलम के केस में अगर इक्विलिब्रियम में टेंशन टी है, याद रखना एक चीज, इन सिंपल पेंडुलम जी इफेक्टिव इज टेकन एज or other is mostly taken as the tension in equilibrium. Upon time. So, tension equilibrium to hi hai. Upon m karoge to kya aega na, g effective aa jayega. So, you might say g effective se fayda kya hai? Na, wo jo main bola tha na pichle question mein, ki l ka zarurat hi nahi hai. Wo l ab zarurat. Pichle question mein zarurat nahi tha, but ab zarurat hai. Kyun? Kyunki टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, वो होगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव। ये है जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या होगा फिर ना, टेंशन इन इक्विलिब्रियम अपॉन मास एम। चेक करो, ठीक है, हो गए सारे। और कोई और कुछ? सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, सर आप ऑब्जेक्टिव में से कोई क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? सर ऑब्जेक्टिव में से, हाँ कौन सा क्वेश्चन? सर और सर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 140 पे है और उसमें ऑब्जेक्टिव टू है, टू में क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। इसमें देखो ऐसा है ना, सपोज एक का चार्ज डेंसिटी लगा दिया प्लस है और उसके बाद एक ऐसी चीज रखा है और एक ऐसी चीज, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है ना। सिमिलरली यहां पे भी इस चार्ज पे से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इंडक्शन ड्यू टू मेटलिक प्लेट एंड मेटलिक रॉड, ठीक है, मेटलिक रॉड लाइंग इन फ्रंट ऑफ। अब इससे क्या होगा? ऑप्शंस कई सारे हैं। अच्छा, इसमें एम है और ये ए है और ये बी, तो M attracts A, वो तो करेंगे ना, क्यों? क्योंकि देखो ये जो प्लस वाला प्लेट है ना, ये नियर है टू माइनस, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा और ये दूर है तो देयरफॉर कम अट्रैक्शन है ना। सर एक्सक्यूज मी, हाँ
सर वो मेरे को गलती समझ आ गई सर, मैंने इसका आंसर डी चेक कर लिया, वो ऑब्जेक्टिव वन का थर्ड था मेरे को, एक्चुअली मेरे सारी वही ऑप्शंस थे। हाँ अच्छा चलो ठीक है। और सिक्स वाले का, सर, सिक्स में कोई नहीं समझ आया। सिक्स भी आ गया या सिक्स को भी डिस्कस करें? नहीं नहीं सर, सिक्स में मेरे को नहीं समझ आया, सिक्स डिस्कस कर लो चलो प्लीज। ठीक, सिक्स से डिस्कस कर। अच्छा क्या है ना कि आज भी ना थोड़ा क्लास को लेकर कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन ही हो गया कि क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस थे एंड ऑल। तो कल का पहले अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बताओ कि कल का क्लास जो है ना हम कब रख सकते हैं? आई थिंक कल थोड़ा सा रख लेते हैं। अच्छा मनस्वी से इसकी सैटरडे बोर्ड एग्जाम्स है इसलिए कल नहीं रखने के लिए। अच्छा मनस्वी तुम्हारे सैटरडे तो एक एग्जाम हो गया, और उसके बाद कब है? देन 23 मई को है। उसके बाद सीधा 23rd को है। तो हाँ सर, सैटरडे को SST और फिर 23 को एक काम करेंगे इस कंप्यूटर। बार ना, फिर सैटरडे संडे थोड़े लंबे क्लास रख, ठीक है ना? कल का रहने देते हैं, सैटरडे संडे लंबे क्लास रख, ठीक है ना? चलो ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन देन वाइंड अप। देखो थोड़ा सा इसको समझो, ये है गॉसियन सरफेस और इसके ठीक सेंटर पे एक चार्ज। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स लाइन, ये लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे और उसके वजह से कुछ फ्लक्स बने। कितना बनेगा ना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के मिडिल में है, हेमिस्फीयर के मिडिल में है, इसलिए आधा फ्लक्स होगा। यानी इस वक्त फ्लक्स कितना है ना, इस वक्त फ्लक्स है क्यू बाय टू एप्सिलॉन। तो से बाकी बाकी इस सरफेस से नहीं जाएगा, वह फ्लक्स तो होगा, फ्लक्स तो होगा, क्योंकि इनके अलावा भी तो फील्ड लाइन्स होंगे, ये भी तो फील्ड लाइन है, पर ये फ्लक्स नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फीयर के थ्रू पास नहीं हो रहा। ओके है। अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। अगर मैं चार्ज को इस पोर्शन में, ये मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है ना, मान लो कैपिटल क्यू तो ऐसे ही है। अगर मैं इसके अलावा एक और चार्ज, अगर मैं इसके अलावा एक और चार्ज यहां पे रखूं, 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 कहीं पे भी रखूं, तो क्या होगा ना, ये जो फील्ड लाइन्स है ना, ये थोड़ा बेंड कर जाएगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि इन चार्जेस के, इनमें से एक कोई एक जगह, मतलब बहुत सारे चार्ज नहीं रखा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन इज दैट मैं एक और चार्ज अगर रखता हूँ स्मॉल क्यू, वो चार्ज अगर मैं यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ या कहीं भी रखता हूँ, तो क्या होगा, तो ये जो फील्ड लाइन है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं जाएंगे, देखना भी बेंड कर जाएंगे। यानी ये वाला जो लाइन है ये अब थोड़ा ऐसे बेंड कर जाएंगे, ये वाला जो लाइन है वो भी ऐसे बेंड कर जाएंगे, एंड सो ऑन। हमने देखा ऐसे लाइन पास होते हुए। और एक चीज है, जो ये वाला लाइन था ये भी थोड़ा सा बेंड करके हो सकता है कि उस रीजन के अंदर से जाए, यानी इस रीजन में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज रखोगे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जो फील्ड लाइन ऐसे जा रहे थे ना, वो बेंड हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो यानी जो फील्ड लाइन थोड़ा सा नीचे से जा रहा था, मतलब उस हेमिस्फीयर को टच नहीं कर रहा था या पार नहीं कर रहा था, वो भी हो सकता है कि बेंड होके पार हो जाए। यानी उस हेमिस्फीयर के थ्रू अब जो नया फ्लक्स बनेगा वो पिछले वाले से ज्यादा हो। तो इफ क्यू इज प्लेस्ड हियर, फाइव विल इंक्रीज। फाइव मतलब कौन सा फ्लक्स, जो हेमिस्फीयर के थ्रू पास हो। ओके okay? अच्छा एक चीज और भी है, पता है क्या, कि अगर इस चार्ज को यहां ना रख के तुम अगर यहां पे कहीं रखोगे,
तो मामला उल्टा होगा। फिर पता क्या होगा, जो जो लाइन ऐसे पास हो रहा था वो अब ऐसे नहीं पास होगा, वो देखना बेंड होकर ऐसे हो जाए। यानी जो लाइन पहले ऐसे जा रहा था, यानी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो भी पता चला बेंड होकर ऐसे हो गया, यानी मिस हो गया, वो हेमिस्फीयर के थ्रू नहीं जा रहा, यानी क्या होगा, फ्लक्स हट जाएगा। इफ क्यू इज प्लेस समवेयर हियर, यानी इस लाइन के, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर स्मॉल क्यू रखोगे तो इन दैट केस क्या होगा, फाई रिड्यूसेस। और अगर इस लाइन के नीचे कहीं भी रखोगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहां रखें कि फ्लक्स चेंज ना हो, वो है इस लाइन पे कहीं पे भी रखो, यहां पे कहीं रखो। यू माइट से क्या इससे लाइंस बेंड नहीं होंगे, बेंड होंगे, पर बेंड होके भी उसी पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर से निकलेंगे। कैसे, देखो अगर तुम यहां पे एक चार्ज रख दोगे ना स्मॉल क्यू, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो पहले स्ट्रेट था, अब स्ट्रेट नहीं होगा। अब पता है कैसे होगा, बेंड हो जाएगा, बेंड तो हुआ लेकिन पहले इस रीजन से जा रहा था और अब इस रीजन से जा रहा है, यानी अभी भी हेमिस्फीयर के थ्रू ही तो जा रहा है ना, ये फायदा हो, यानी लाइंस बेंड होंगे पर अभी भी उसी अपर हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर कह लो, जो भी कह लो, अभी भी उसी हेमिस्फीयर के थ्रू जाएंगे इवन बेंड होने के बाद, इसलिए फ्लक्स चेंज नहीं हो, देयरफॉर फ्लक्स डजंट चेंज। ये चीज क्लियर, दैट्स ऑल। देख लो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन तो समझ आ गए सर, एक और लास्ट डाउट अगर आप कर दो, छोटा सा ही है वो, बहुत सर वो डाउट नहीं है सर, वो बेसिकली एक क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं दे रखा बुक में, मेरे को पूछना था कि मेरा आंसर सही है या नहीं सर। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 139 पेज पे, उसके 7 सर, इससे एक पेज पहले 139, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यस सर 139, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं शॉर्ट, उसके 7th का आंसर एक बार आप बता दो प्लीज, आंसर था नहीं बुक में। नहीं नहीं, देखो इसमें पता क्या होगा, जब भी कोई चार्ज दिया जाएगा समझ रहे हो ना, तो इट इज नॉट प्रोटॉन्स विच प्ले एनी रोल, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं, समझ रहे ना, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं। मान लो एक कंडक्टर, अब तुम एक काम करो, तुम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे दो, डाल दो, तो पता क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर ऊपर रहे। अभी रुको, अभी सवाल मत पूछो, पहले पूरा सुन लो। अब सवाल, सॉरी, अब जो चार्ज जमा होगा सरफेस पे वो ऊपर ऊपर रहेंगे, यानी क्या नेगेटिव चार्ज, यानी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो। आई होप दैट्स ऑल। अब एक काम करो, सपोज तुम एक काम करो, तुम इलेक्ट्रॉन को खींच लो, तुम जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लो, तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा एक बॉडी से, कंडक्टर से, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो तुम जो इलेक्ट्रॉन खींचोगे ना वो देखना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नहीं मर्स ऐसे क्यों, क्योंकि एक्चुअली एक मेटल के अंदर यहां भी इलेक्ट्रॉन है, 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 हर जगह इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को खींचोगे भी ना, तो देखना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीच में बैठा है, लेकिन जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको तो सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का मार, इसलिए जब तुम इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करोगे ना, देखना सरफेस का ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकल जाएगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो ये जो रीजन है बाहर बाहर का, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज। इसलिए अगर एक मेटल बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन खींच लो तो सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स डाल दो तो सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। प्रोटॉन का अभी तक, शुरू से लेकर एंड तक, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट है और इन तमाम चीजों में न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं। अब ठीक है सर, में कोई डाउट है कि जब उसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया तो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब सपोज तुम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो बाहर, तो देखो एक चीज जरा सोचो सपोज एक प्लेटफॉर्म है ना, तो प्लेटफॉर्म पूरा खचाखच भरा हुआ है और सपोज तुम कहते हो कि पांच छह जने प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाओ, प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे है मान और एकदम खचाखच भरा हुआ है, लोग यहाँ पे एकदम भीड़ जमा के बैठ खड़े पूरा भरा हुआ है एकदम खचाखच। अब अगर मान लो तुमको 10 जने को खींच के बाहर निकालना है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म मतलब सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा रेस्ट है मान, तो अंदर वाले बंदों को बाहर निकालना ज्यादा आसान होगा बाहर वाला? आंसर इज बाहर वाला। क्यों? क्योंकि बाहर वाला ऑलरेडी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि बाहर वाला वैसे ही गिरते पड़ते बस किसी तरीके से अपने आप को रोक के रखा है, उसी को निकालना सबसे आसान है। तो सेम विद इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको बाकी सारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है। इसलिए जब तुम इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनको वैसे भी रिपल्शन बाहर की तरफ ही है, ये तो एटम ने रोक के रखा है। और अब तुम भी अगर मदद कर दो थोड़ा सा और तो देखना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले आए। तुमको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना मेटल में से, तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही देखना सबसे पहले, ये चीज। नाउ यू माइट से अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो सपोज मुझे और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या होगा? तो देखना अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अंदर वाला मतलब नेक्स्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाएंगे और उसी को तुम खींच पाओगे, एकदम यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर भी निकालोगे ना, जैसे मान लो एक मेटल को और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज करना, तो एक मेटल को और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हम कैसे करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स भी देखना सरफेस पे से ही निकले, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को तुम खींच के बाहर नहीं निकाल पाओ। इसलिए चाहे नेगेटिव चार्ज करो मेटल को, चाहे पॉजिटिव चार्ज करो, वो हमेशा सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट होंगे या सरफेस पे ही तुमको जो है नजर आएंगे। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। सर मेरे को बस एक लास्ट चीज सर बस क्लियर नहीं हो रही सर, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसके, तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर पे ना सरफेस पे ना कहीं कहीं रहने नीचे, हमने निकाल दिए ना पूरे, तो इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया तो फिर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन थे, 500 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था, अब तुमने 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब तो ओवरऑल बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना सर, पॉजिटिव चार्ज नजर आएंगे फिर। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज होएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में सरफेस पे क्या आएगा? नहीं, क्या आएगा नहीं, सरफेस पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कुछ आना नहीं है। देखो पॉजिटिव चार्ज कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है मेटल्स, पॉजिटिव चार्ज हमेशा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये चीज। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो जो है कह रहा था मैं, कल फिर हम क्लास नहीं रख रहे हैं, सैटरडे फिर हम रखेंगे। सैटरडे रखेंगे कितने बजे? वही 8:30 रखते हैं फिर, या 8:00? ठीक है ना, 8:00 लेना, क्योंकि सैटरडे संडे को भी मेरी मैथ्स क्लास होती है 9:30। कितने बजे बेटे? सर 9:30 to 10:30। हाँ तो मेरा मैं 8 से ले रहा हूँ ना, 8:00। हाँ सर 8:00, ठीक है ठीक है 8:00। और किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, तो फिर सैटरडे संडे दोनों दिन रखते हैं 8:00, ठीक है ना। चलो ओके, फिर कल नहीं रखते। ओके चलो, आज के लिए अभी कुछ सर, वो सर आप ऐसा कर सकते हो कि अब आप 8:00 से 9:00 फिक्स कर लो टाइम। नहीं, क्लासेस 1 घंटे का अब नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो 1.5 घंटे का 3 क्लास रखें, 1-1 घंटे का नहीं रखें। ये तो सैटरडे की है सर, सैटरडे को कितनी देर की है फिर? वही 8:30 to 9:30, और संडे भी ऐसे रख लें। ठीक है सर, आप ऐसा कर सकते हो फिर कि 8 to 9:30 का टाइम, या फिर 7:30 to 9 का टाइम फिक्स कर देंगे, फिर हम आगे से फिक्स कर, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो ओके, गुड नाइट सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। हम सर इस संडे कोई इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट तो नहीं होगा ना? नहीं, अब जो है ना एवरी संडे लगातार कुछ टेस्ट रख लेता हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि संडे जो है ना
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है तो उसका एक टेस्ट रख लेते हैं। बाय द वे टेस्ट का नंबर तो आ गया है, मैं सबको चलो मैं सबको इंडिविजुअल मैसेज करता हूँ, ठीक है ना। और संडे भी एक छोटा सा टेस्ट रख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, है ना, वही जो हो गया फर्स्ट चैप्टर उसके ऊपर, ठीक है। सर उसके अंदर पोटेंशियल इंक्लूड करेंगे? नहीं नहीं पोटेंशियल, हाँ हाँ पोटेंशियल तो इंक्लूड होगा ना, गॉस लॉ तक। ओके सर। कैपेसिटेंस नहीं होगा बस। ओके सर, ठीक है ना, चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। सर सर सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, वो मेरे को ना एक प्रॉब्लम थी कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था वो चेंज हो गया, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ आप उस पे नॉर्मल मैसेज भेज सकते हो मेरे को? हाँ ठीक है, फिर उसको मैं उसमें डाल दूंगा, ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगा, ठीक है ना। मैंने चैट में लिख दिया है वो नंबर। हाँ चलो ठीक है, ठीक ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। लेकिन ये कि वो 9555 वाला नंबर उस नंबर पे सेव कर लेना। अच्छा ओके सर। हाँ नहीं तो फिर ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं जाता है ना। ठीक है सर, यस सर। चलो ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट सर, बाय सर।